ओ भाई साहब, सनी पाजी ने आखिर वो कर दिखाया जिसका बड़े बड़े लोग सपने लेते रह जाते हैं लेकिन सच नहीं होता भाई। आज डे नंबर 24 पर जो कलेक्शन आ रही है इंडिया नेट कलेक्शन ऑफ गदर 2, इसने लिटरली गदर मचा दिया है। जो हम 500 करोड़ की बात कर रहे थे वो 500 करोड़ पूरा हो चुका है भाई। बहुत 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 बड़ी बात, दिल से खुशी मुझे इस बात पर कि गदर 2 को इतना प्यार मिल रहा है। ये वो फिल्म है जिसका फर्स्ट पार्ट हमने जब देखा था उसके बाद ना गदर ही गदर दिमाग में चलती रहती थी, वही सॉन्ग्स और वही चीजें। अब जब हमने गदर 2 में जैसा देखा, वही रोमांस, वही सनी पाजी, वही सकीना, वही मतलब आइकॉनिक म्यूजिक, तो लग रहा था कि इस फिल्म को ये मतलब ये सब कुछ डिजर्व करती है, ये हर चीज, हर बड़ी से बड़ी सक्सेस डिजर्व करती है। मगर तब भी सोचा नहीं था कि मतलब ये जो आज जो हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है 500 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन की, ये भी नहीं सोची थी क्योंकि हम इतनी आगे का कभी सोचते नहीं है। कभी कभी डर जाता है, कभी कभी सोचते हैं यार हाँ ठीक है सोच लेते हैं, लेकिन फिर हम यू नो कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत ये रहता है। मगर कसम से ना इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा दिल से खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। ये वो फिल्म है जिसको मैंने अपनी फैमिली के साथ देखा, इन्जॉय किया लिटरली, और बहुत टाइम के बाद कह सकती हूँ कि गूज बम्प्स वाले जो कई सारे मोमेंट्स आए थे वो थे, और आज भी वैसी ही फीलिंग आ रही है जैसे जब मैंने इसको देखा था। तो चलिए बात करते हैं, ज़्यादा भावनाओं में बहने से पहले ज़रा बात करते हैं डे नंबर 24 के ऑक्यूपेंसीज की, और मतलब जो प्रिडिक्शन नहीं अर्ली एस्टिमेट जो आता हुआ लग रहा है, और साथ साथ में टोटल कलेक्शन कितनी हो गई है वर्ल्ड वाइड। मैंने आपसे कहा था मैं शेयर करूंगी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है ये कितनी हो गई है, वो सब बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देख लो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले बात गदर 2 मेनिया की, सनी पाजी का हथौड़ा आज के दिन बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया है। 24वां दिन है शायद, फोर्थ संडे चल रहा है, और भाई साहब जो एक्सपेक्टेशन थी ऑक्यूपेंसीज की वही आती हुई लग रही है। तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी ऑफ गदर 2 ऑन डे नंबर 24 वाज अ मैसिव 20% ऑक्यूपेंसी। उसके बाद आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी ने बहुत बड़ा जंप लिया भाई साहब, 45% की आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी रही है। तो ये वही कह सकती हूँ मैं जैसे मेनिया और सुनामी की हम बात करते हैं, वही चीज़ दोबारा से हो चुकी है। इवनिंग मुझे लगता है ऑक्यूपेंसी 50-55% तक जा सकती है, 52-55 का मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ। और नाइट ऑक्यूपेंसी जो है ये रहने वाली है 40% के आसपास, कल मंडे है, वर्किंग डे है ये सोचते हुए, ठीक है। और खुशी इस बात की है कि ऑलरेडी जो एक टारगेट था ना बहुत बड़ा 500 करोड़ वाला नंबर, वो आ ही चुका है। तो एक दिन मंडे का दिन अगर थोड़ा बहुत स्लाइट हम नाइट की ऑक्यूपेंसी संडे की नाइट में कम देखेंगे भी ना, तो भी दुख नहीं होने वाला, फायरवर्क्स ही फायरवर्क्स होने वाली हैं, ठीक है। तो शहरों की बात करते हैं, जिस्ट में बताने वाली हूँ, इतने कम शो काउंट्स होते हुए भी जो अर्ली एस्टिमेट आ रहा है सुन के होश उड़ जाएंगे आपके, ठीक है। पहले मुंबई 27% ऑक्यूपेंसी, दिल्ली 34%, पुणे 36%, बैंगलोर 33%। माइंड यू ये सिर्फ आफ्टरनून तक की है, इसमें इवनिंग और नाइट डेटा नहीं है। बैंगलोर 33%, हैदराबाद 22%, कोलकाता 18%, अहमदाबाद 37%, चेन्नई 20%, सूरत 33%, जयपुर 37%, चंडीगढ़ 57%, चंडीगढ़ में 57%, भोपाल 19% और लखनऊ 36% के साथ डे नंबर 24 ऑफ गदर 2 मेनिया इंडिया कलेक्शन इज कमिंग इन एज 8 करोड़। सुबह कितना प्रेडिक्शन था? 7 करोड़, 7.5 करोड़, अभी 8 करोड़ आ चुका है। ये आ जाता है तो 501 का शगुन तो डल ही जाएगा, 502 तक कलेक्शन पहुंच जाएगी इंडिया नेट कलेक्शन 502 करोड़। नाउ दिस बिकम्स नंबर सेकेंड मूवी ऑफ ऑल टाइम्स जिन्होंने 500 करोड़ का इंडिया नेट नंबर अचीव किया है। अब बोलो किसको क्या कहना है भाई, मुझे कुछ कहना ही नहीं है, मेरे पास तो शब्द ही खत्म हो चुके हैं। बस दिल में बहुत ज़्यादा खुशी है सनी पाजी के लिए, क्योंकि कब से वो डिजर्व करते थे ये सब, डिजर्व करते थे। इज द मोस्ट डिजर्विंग एक्टर हु विदाउट एनी एफर्ट, एफर्टलेस एक्टिंग जैसी जिसको बोलते हैं ना, एफर्टलेस एक्टिंग और दिलो जान लगा देना एक फिल्म में, ऐसे एक्टर। तो भाई ये है जलवा। अभी वर्ल्ड वाइड की कहानी सुनो, वर्ल्ड वाइड की कहानी खत्म नहीं हुई है, वर्ल्ड वाइड की कहानी तो शुरू हुई है, क्योंकि अगर यही चलता रहा ना भाई तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 700 करोड़ मुझे अगले हफ्ते में आती हुई लग रही है। है ना, बहुत एक्साइटिंग बात, ठीक है। 23 डेज में इंडिया नेट कलेक्शन ऑफ गदर 2 वाज 493 करोड़। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ऑफ 23 डेज इज 582 करोड़। Overseas collection of Gadar 2 in just 23 days is 64 crores and worldwide collection of Gadar 2 Mania in just 23 days is a massive 646 crores, 646 crore, 650 crore ke aaspaas, sirf 23 dinon mein। Jaise maine kaha agle hafte tak ho sakta hai 700 crore worldwide ho jaye, koi badi baat nahi hai। तो ये है जब शो काउंट्स कम थे, ये है जब क्लैश में आई है, ये है जब बहुत सारी और नई फिल्में साथ में आई, ये है जब शो काउंट्स और ज़्यादा कम हुए, अगले हफ्ते और कम हो सकते हैं,
ये मैं आपको बता देती हूँ, बहुत आगे की अभी हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, क्यों, रियलिस्टिकली सोचना भी ज़रूरी है, आगे अभी शो काउंट्स जो हैं इनमें कमी आ सकती है, लेकिन पब्लिक के जोश में कोई कमी नहीं आई है भाई, ऑडियंस के जोश में कोई कमी नहीं आई है, अभी ऑडियंस वेट कर रही है जन्माष्टमी का और वेट कर रही है कि फिर से हम गदर 2 जो है फिर से एक बार अपनी फैमिली के साथ देखने जाएंगे, पता नहीं कितनी बार देख चुके हैं ऑलरेडी ये वो लोग हैं। सो भाई हैट्स ऑफ टू यू ऑल गाइज, हैट्स ऑफ टू द मेकर्स, दिस इज अ रियल फिनोमिना, मतलब पठान के बाद सेकेंड नाम गदर 2 का आ चुका है हाइएस्ट ऑल टाइम हिंदी ग्रॉसर्स में। कैसा लग रहा है सुनकर, गदर 2 फैंस मुझसे शेयर करिएगा कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है, हो सका रात में अगर तो लेट नाइट वीडियो आएगी, नहीं तो कल सुबह, मोस्ट प्रॉब्ली कल सुबह तक वीडियो जरूर आएगी अपडेटेड कलेक्शन के साथ। भाई साहब इसको कहते हैं असली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, मुझसे अपना राय जरूर शेयर करना कॉमेंट सेक्शन में। बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शेयर।